नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण सुराना है। मैं गुजरात में अहमदाबाद में कर्ण दोष निवारण केंद्र की एक बहुत बढ़िया प्रवृत्ति चला रहा हूँ। जन्म का बहरापन हो या पीछे का बहरापन हो, नशे सूख जाने से आया हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन, बिना मशीन बिना ऑपरेशन की सुनवाने की क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं। परिणाम ट्रीटमेंट के दरमियान ही आने लगते हैं। एक घंटे में कान रेडी, दूसरे घंटे में दूसरा कान रेडी। सुनना बड़ी बात नहीं है, सुनने तो पशु पक्षी भी करते हैं, परंतु सुन के बोलना मनुष्य के हाथ में है और उसी के प्रयत्न के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कान में डालने की दवाई और खाने की दवाई से नसें सूख जाने से आया हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन एक घंटे में मिटने लगता है। संसार के लिए आश्चर्य है और डर है और भय है कि सत्य है कि सत्य है, परंतु पूरा सत्य है। इसीलिए सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में वीडियो डाले जा रहे हैं। ये नसें सूख जाती, हम मानते ही नहीं नसें सूख जाती है, क्योंकि नसें सूखी तो एक घंटे में हम कैसे ठीक करेंगे। और हम तो हजारों व्यक्तियों को, हमारा काम है रोज ठीक करना, सुनवाना और लोगों को भय से मुक्त करना। सुनने के बाद भी समझना, बोलना, करना सब मनुष्य की खुद के हाथ में है। जो भाषा सीखता है वही भाषा बोलने लगता है। प्रश्न ये नहीं है कि हमने कोई असाध्य रूप पर कार्य किया है वो सफल हो गया है। प्रश्न यह है कि काम बड़ा सरल था, सीधा है, फिर भी सारा संसार डरा हुआ है। ये मेरी रिसर्च में निश्चय है, परिणाम बहुत ही अच्छे आते हैं। YouTube और Google पर सोशल मीडिया पर उनके आशीर्वाद इसलिए डाले जा रहे हैं कि विश्व को मालूम पड़ जाए कि सामान्यतया बहरापन बिना मशीन बिना ऑपरेशन के बिना कोक्लियर बदले भी बहुत हद तक ठीक हो सकता है, मिट सकता है, सुनने की क्षमताएं बढ़ सकती है। अब एक विशेष समाचार पर विशेष टिप्पणी और विशेष मतलब एक विषय के ऊपर अपनी बात करना चाहता हूँ। आज पूरा संसार डर गया है और डर ऐसे गया है कि मानो हम कोई बहुत भयंकर असाध्य कोई रोग में लपेट में आ गए हैं। सचमुच विश्व के लिए असाध्य रोग है ही है अभी, क्योंकि जिसका इलाज नहीं है, जिसको मालूम नहीं है और जो अचानक अटैक करता है। ये वायरस ऐसा है, कोरोना नाम का जो वायरस है, कोरोना के वायरस पहले आ चुके हैं और पहले ट्रीटमेंटें भी हो चुकी है, फ्लू आ चुका है, बर्ड फ्लू आ चुके हैं और बहुत से ऐसे जानलेवा रोग आ चुके हैं। यूरोप से, अमेरिका, कनाडा से ये लोग ज्यादा क्यों आ रहे हैं कि डर की संख्या वहीं पर ज्यादा है, भय से भय बढ़ता है, लोग डर जाते हैं और ठंडा प्रदेश होने के कारण से फ्लू का इलाज उनके पास में नहीं हो रहा है। एक बात खास कहना चाहता हूं कि डरे नहीं, इलाज करें। दो तीन स्थितियां होती है। एक तो जो टीवी मीडिया पर देख करके घबरा जाते हैं, क्या होगा, हम तो मर गए, फंस गए, अब क्या होगा। दूसरी बात, जो है नहीं उसका डर उत्पन्न करना। तीसरी बात, होने की संभावना होना, क्योंकि विदेशों से यदि हम संपर्क में आते हैं तो वो रोग हो जाएंगे ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं है या है, एक प्रश्न अलग है, परंतु आज के दिन तो ऐसी बात है कि जो वायरस विदेशों से आ रहे हैं उनको रोका जाए, सैलानियों से रोका जाए। तीसरी बात है, होने वाला है उसका डर और उसका इलाज, होने के बाद में इलाज। होने की कौन कौन सी स्थितियां हैं? होने की प्रथम स्थिति है रियल में फ्लू जैसा वातावरण बनना और अचानक लंग्स के ऊपर अटैक हो जाना, उसको निमोनिया कहते हैं, निमोनिटाइज हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, निमोनिया का डर भयंकर है। निमोनिया का इलाज है, यदि समय पर यदि रोगी पसंद डॉक्टर पहुंच जाता है तो निमोनिया के इलाज के कारण से उसका संभवतः इलाज है, उसके उसके लिए सारी की सारी सुविधाएं हैं, लंग्स की सारी सुविधाएं, लंग्स को ठीक करने की सुविधाएं हैं। और होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में सब में भी है, पर होम्योपैथी में जो इलाज जानता हूं मैं ये बताता हूं। चौथा चौथी कंडीशन है, होने की संभावना हो गई है, हो गया है और होने वाला है और लास्ट स्टेज है। तो मैं उल्टा चलता हूं लास्ट स्टेज से। लास्ट स्टेज की दवाइयां है विरिट्रम विरडी और विरिट्रम अल्ब। विरिट्रम का काम भया भयंकर है। उनमें से एक दवाई ऐसी है जो क्या करती है कि तुरंत बुखार को रोकती है और कैसी भी बुखार को रोक लेती है और उसके लंग्स के ऊपर कैसा भी गंदा प्रभाव हुआ हो, जकड़ गया हो, ठीक कर देती है। मेटेरियल मेडिका पढ़े, उसमें सत्य लिखा हुआ है। हमने आपके लिए नई दवाई नहीं बनाई है, जो लिखा हुआ है वही मैंने पढ़ के बताया है।
मेटेरिया मेडिका में साफ साफ लिखा है कि विरिट्रम विल्डी का जवाब यह है कि वो तुरंत असर रोग के ऊपर असर करती है, बुखार मिटाती है। मस्तिष्क के ऊपर बुखार हो गया, जकड़न हो गई है, कमर में दर्द हो गया, कमर पकड़ गई है, लंग्स पकड़ गए, शरीर जकड़ गया है, जवाब दे दिया है तो दवाई काम करने लगती है। अब एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत है तो वो कौन सी पावर पोटेंसी में करना चाहता है, वो सीधा वनम से इलाज करना चाहता है तो कर सकता है, लोअर पोटेंसी से रोगी को देख करके करना चाहे तो कर सकता है। दूसरी दवाई का नाम आर्सेनिकल, यदि छटपटाहट हो गई है, जलन है, बेचैनी है, दर्द है तो आर्सेनिक का मुकाबला कहीं भी नहीं है, और मैं तो कहता हूँ आर्सेनिक के वनम का पानी बना के ही देना चाहिए। तीसरी दवाई का नाम है जो रेयर मेडिसिन है, मकड़ी का जाले से बनती है, वो मकड़ी का जाले से इसलिए बनती है, एंटीडोज है, एक्चुअली मकड़ी नहीं है, मकड़ी के जाले के एंटीडोज, क्योंकि होम्योपैथी सभी दवाइयां एंटीडोज से बनी हुई है। एक्वानेट ले लो, हमारा ये आपकी टेरेंटुला क्यूबेंसिस ले लो, टेरेंटुला ले लो, आपका एक्वानाइट ले लो, जो भी दवाइयां हैं। और मैं ये संदेश इसलिए दे रहा हूं कि विश्व के सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स और होम्योपैथी संस्थाएं और होम्योपैथी फार्मास्यूटिकल कंपनी को सांप सूंघ गया है कि वो इसका एंटीडोज तुरंत क्यों नहीं बना रहे हैं। हॉस्पिटलों में अवेलेबल है, एंटीडोज मिले हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे इसके एंटीडोज बनाए जाए। एंटीडोज बनाना कोई दुर्लभ बात नहीं है, उसके अंदर डोज लेकर के रिवर्स पोटेंसी बनाने से इसी का वायरस का प्रतिविष बन जाता है। यह संदेश यदि संसार के सामने पहुंच गया हो तो मेरा नाम प्रवीण सुनाना है, कांड दुख सुनान के अंदर चलाता हूं। मेरे फोन नंबर है 9824853302। अहमदाबाद कांड दोष के निवारण केंद्र के सारे वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए डाले जा रहे हैं कि जो करता हूं वो सच है और लोगों को मालूम है, उनके आशीर्वाद के वीडियो ही आप देख रहे हैं। आशीर्वाद के वीडियो देखने से फर्क यह पड़ता है कि जिनको इलाज कर रहा है वो बड़े कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आत्मविश्वास में आ जाते हैं, एक दूसरे को सलाह करते हैं, पूछते हैं, लोग रेफर करते हैं। आजकल तो सर्जन भी रेफर करने लगे हैं, मैं उनका आभारी हूँ, डॉक्टर्स का आभारी हूँ, सारी टीम का, जनता का, विश्व का आभारी हूँ कि बहरेपन की मुहिम को आगे, मतलब बहरापन आए नहीं, जन्म का बहरापन भी मिट जाए, बिना मशीन बिना ऑपरेशन के ठीक कर सके। ऑपरेशन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो मशीन लगाए तो लगाए, पर हमारा काम है काम को चालू करना, कान को यूजफुल बनाना। यदि कान रहेगा तो मशीन चलेगी, घर होगा, आंखें होगी तो चश्मा आएगा। नियम है, यदि इस विषय को गंभीरता से सोचा जाए तो मेरे लिए कोई भी सेवा कार्य हो तो बताएं। अहमदाबाद कांडो शिवान केंद्र का पता यूट्यूब और गूगल पर तो है ही, यहाँ भी बता देता हूँ, आंबावाड़ी एरिया है जो सुरम में विस्तार है, और विश्व का बहुत ही सुंदरतम स्थल अहमदाबाद शहर है। और यहाँ पर आने के बाद में आप सरदार वल्लभ श्रीमान श्री परम श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस महान प्रतिमा को देखने भी के लिए जा सकते हैं जो हमारी परम श्रद्धेय परम सम्मानी प्रधानमंत्री महोदय के स्वप्न को साकार करते हुए बनी हुई है। कभी कभी तो माफ करिएगा, समय ज्यादा बोल गया हूँ, वो सरदार पटेल में मुझे प्रधानमंत्री दिखाई देने लगते हैं कि क्या सोचा होगा इस व्यक्ति ने ये प्रधान, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, देश के नागरिक यही रहेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं नहीं, हम तो यही रहेंगे, तो इसमें राइट और बिना राइट का क्या प्रश्न है। कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल सही सुलझाया, आगे को जो जो चल गए उसमें अंदर थोड़ी भूल हो रही है तो क्षमा करें, हो सके तो विषय को रिवर्स नहीं करें तो कम कम इतना सुलझाए कि लोगों को उलझना बंद कर दे। प्रवीण सोना के प्रणाम। यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंचा हो तो मेरी आशीर्वाद दीजिए, सत्य को समझे, मेरी गलतियों तो क्षमा करें। मैं कोई चीज का दावा नहीं कर रहा हूं कि कोरोना मिट गया नहीं मिट गया क्या हुआ, पर इलाज होम्योपैथी में इस ढंग का है और इस ढंग से इलाज हो सकता है और लोगों को रोग, मतलब रोगियों को रोग मुक्त किया जा सकता है और उनको रोग में से बाहर निकाला जा सकता है। आज होम्योपैथी दवाइयां सब संसार में सब जगह, अमेरिका गया था वहां पर थी, अब कनाडा गया था वहां थी, लंदन में एक है तो है ही है, भले वो माने नहीं माने, परंतु उनकी गलती कि आज होम्योपैथी को स्वीकार नहीं कर रहे। यदि होम्योपैथी को स्वीकार कर ले तो आज तक के सारे रोग होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं। प्रणाम।